हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, कई बार हमारे बालों में बहुत ज्यादा दो मुहे बाल नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल काफी भद्दे दिखाई देते हैं और यही वो कारण होता है जिसकी वजह से हमारे बालों में डैमेज की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है, जिसके लिए या तो हमें पार्लर में जाकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या फिर किसी और से ही अपने दो मुहे बालों को कटवाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप इतने सारे परेशानियों को झेलने की बजाय खुद से भी अपने दो मुहे बालों को सही तरीके से कट कर सकती हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। अगर आपके सर के अंदर भी दो मुहे बाल हैं तो आप आसानी से खुद से ही उन्हें काट सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने बालों को पूरे तरीके से कोम कर लीजिए और खोल लीजिए। खुले हुए बालों के थोड़े थोड़े सेक्शन लीजिए और उन सेक्शन को अच्छे तरीके से अंदर की तरफ रोल करिए और अपने बालों को इतने टाइट तरीके से रोल कर दीजिए कि वो एक स्पाइरल की तरह बन जाए। उस एंड को अच्छे तरीके से पकड़िए और उसके बाद आप देखेंगे कि दो मुहे बाल सारे बाहर की तरफ होंगे। आप उन दो मुहे बालों को चाहे तो कैंची से काट सकते हैं या फिर उन दो मुहे बालों पर आप गर्म तेल लगाकर तौलिए से रब कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको बस हल्का सर रगड़ना है, आपको बहुत ज्यादा झटके नहीं देने हैं अपने बाल में, क्योंकि बालों पर बहुत ज्यादा झटके देने की वजह से भी बाल दो मुहे हो जाते हैं। बस फिर क्या है, अपने बालों के थोड़े थोड़े सेक्शंस लेकर इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए और आपके बालों से सारे दो मुहे बाल अलग हो जाएंगे। वैसे तो मार्केट के अंदर दो मुहे बालों को ठीक करने के लिए काफी शैम्पूज और कंडीशनर अवेलेबल है, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस टिप को जरूर आजमाइए और अपने बालों को सुंदर दिखाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।